अब एग्जाम की प्रेपरेशन की बात करें तो एग्जाम 3 लेवल पे होता है. सबसे पहले प्रीलिम्स एग्जाम, फिर मेंस और फिर इंटरव्यू. प्रीलिम्स में 2 पेपर्स होते हैं, सीसैट एंड जनरल स्टडीज. सीसैट जो है उसमें कॉम्प्रिहेंसिव पैसेजेस आते हैं और बेसिक मैथमेटिक्स रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अलावा कुछ रीजनिंग के, ब्लड रिलेशन के कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं. सीसैट क्योंकि अब सिर्फ क्वालिफाइंग है तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम देने की, बहुत ज़्यादा 2-3 महीना देना या रोज़ 3 घंटा देने की ज़रूरत नहीं है. थोड़े बहुत तैयारी करके टाइम मतलब काम चलाया जा सकता है, बिकॉज हमें सिर्फ 33% इसमें मार्क्स स्कोर करना है. तो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर एफर्ट ना डाल के आप बस ये देखिए कि लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए और आप उन्हें ठीक तरीके से स्कोर कर पा रहे हैं या नहीं. अगर आपका स्कोरिंग ठीक ठाक तरीके से पासिंग लाइन के पास में है तो आपको सीसैट पर बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है. जो मेन फैक्टर है वो आपका जनरल स्टडीज़ है प्रीलिम्स का, और उसकी हमें अच्छे से तैयारी करनी है क्योंकि उसके आधार पर जो है हमारा मेंस में सिलेक्शन हुआ है या नहीं वो डिसाइड करेगा. तो जो प्रीलिम्स के जो जनरल स्टडीज़ का जो पेपर है उसके अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, करंट अफेयर्स, ये हमें बहुत ही अच्छे तरीके से करने होंगे. जो पिछले साल का पेपर था उसमें करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा आया था और करंट अफेयर्स के करीब 85% क्वेश्चंस थे. मगर ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शायद इस बार इतना सेम इम्फेसिस करंट अफेयर पर नहीं रहेगा. तो आपको करंट अफेयर और जो स्टैटिक पोर्शन है हिस्ट्री ज्योग्राफी के, जो फंडामेंटल स्टैटिक पार्ट है, उसको भी उतना ही अच्छे से तैयार करके जाना है. प्रीलिम्स के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट रेफरेंस है वो एनसीईआरटी है, और एनसीईआरटी को आप बिल्कुल भी लाइटली नहीं लीजिएगा, बिकॉज एनसीईआरटी में कई बार बहुत ही प्रोफाउंड इन्फॉर्मेशन होती है जो कि बहुत ज़्यादा सोफेस्टिकेटेड किताबों में भी मिलनी मुश्किल होगी. तो जो एनसीईआरटीज हम पढ़ेंगे वो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊँ तो इकोनॉमी की 10th और 11th 12th की आप एनसीईआरटी इकोनॉमी के लिए अच्छे से कीजिएगा. जो 11th क्लास की इकोनॉमी है वो आपको इंडिया की इकोनॉमिक हिस्ट्री के बारे में बताएगी कि जो करंट मॉडर्न इंडियन इकोनॉमी है उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे वो इवॉल्व हुई है, वो किताब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. उसके बाद में 12th क्लास की जो इकोनॉमी की किताबें हैं, माइक्रो इकोनॉमी और माइक्रो एंड मैक्रो, उसे हमें अच्छे से करना है ताकि उसको करने से जो फंडामेंटल बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमी लाइक इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन वगैरह, वो सब हमें अच्छे से पता चल जाए. और इकोनॉमी में इन दो रेफरेंसेज 11th और 12th के अलावा मृणाल की जो वेबसाइट है, मृणाल सर की, उसमें PPTs है. तो जो उसके शुरू के जो कुछ PPTs हैं जो कि बताते हैं CRR, SLR, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन के बारे में, उसको आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा. उसके PPTs भी मौजूद हैं, तो जब आप उसको एक बार पढ़ लेंगे, सुन लेंगे, तो आपका अगर इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा भी अगर आप कमज़ोर हैं तो वो सब आपका एक डाउट क्लियर हो जाएंगे. इकोनॉमी आपका एक स्ट्रांग बेस बन सकता है. इकोनॉमी में बस यही करने की ज़रूरत है और बाकी की जो चीज़ें रहेंगी, क्योंकि इकोनॉमी एक बहुत डायनेमिक चीज़ है, तो जो आप गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ेंगे बाकी चीज़ें उधर से आपकी कंप्लीट होती चली जाएंगी. रही हिस्ट्री की बात, तो हिस्ट्री में हमें एनसीईआरटीज़ पढ़नी है, ओल्ड एनसीईआरटी, और अगर ओल्ड एनसीईआरटी अगर आप नहीं पढ़ते तो तमिलनाडु बोर्ड की जो 10th 11th की जो हिस्ट्री की बुक है उसको आप ज़रूर रेफर कीजिएगा. वो बहुत ही शानदार तरीके से लिखी हुई होलिस्टिक कंसाइज किताब है. और उसके अलावा हम जो स्पेक्ट्रम की जो मॉडर्न इंडिया है उसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि इस UPSC में मॉडर्न एंशियंट और मेडिवल के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते. तो बहुत सारी किताबें पढ़ के, हर एक चीज़ को रट के याद करके अपना ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है. तो मॉडर्न इंडिया को अच्छे से कीजिएगा, और बाकी एक बार NCERT अगर आप वो तमिलनाडु बोर्ड की जब आप टेक्स्ट बुक पढ़ लेंगे तो आपका मेडिवल और एंशियंट एक ग्रेसफुली तरीके से अच्छे बेस में तैयार हो जाएगा. रही आर्ट एंड कल्चर की बात, तो आर्ट एंड कल्चर में आप नितिन सिंघानिया नाम के ऑथर की किताब पढ़ लीजिएगा, दैट वुड बी मोर देन इनफ. और उसके अलावा ज्योग्राफी में अगर हम बात करें तो ज्योग्राफी में आप 6th to 12th न्यू NCERT पढ़ लीजिएगा. और जो खास हमारा एम्फेसिस रहेगा वो 11th क्लास की फिजिकल ज्योग्राफी पे रहेगा. उसमें जो कुछ कंसेप्ट हैं क्लाइमेटोलॉजी के, ओशनोग्राफी के, वो इतने शानदार, इतने कंसाइज, इतने सिंपल तरीके से लिखे हुए हैं कि शायद और कहीं जगह पर उतना अच्छा एक्सप्लेनेशन मिलना मुश्किल होगा. तो उसको बहुत अच्छे तरीके से आपको करना है.
और ज्योग्राफी में अगर आप और भी कुछ करना चाहते हैं तो मृणाल सर की वेबसाइट पे ज्योग्राफी के कुछ पीपीटीज हैं जिसमें फिजिकल ज्योग्राफी एंड बाकी अदर ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट को बहुत अच्छे से कंसाइज तरीके से दिया हुआ है, तो यू कैन डू दैट। मैं नहीं सजेस्ट करूंगी कि आप डी आर खुल्लर या सविंदर सिंह नाम की बड़ी बड़ी किताबें ज्योग्राफी में पढ़ें, क्योंकि उसकी उतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती। बहुत ज्यादा किसी सब्जेक्ट के डीप में जाएं, इतना किताबें पढ़ने के बाद में उसका कोई रिविजन भी ना हो पाए, उसका कोई फायदा नहीं है। जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो आपका इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी भी है प्रेलिम्स के एग्जाम के लिहाज से, क्योंकि फॉरेस्ट सर्विसेज के एग्जाम आप प्रेलिम्स में एक साथ होते हैं, तो उस पर हमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। फंडामेंटल्स के लिए आप शंकर की एनवायरनमेंट की किताब पढ़ेंगे, शंकर इज द नेम ऑफ द ऑथर, और वो किताब हमारे बेसिक कंसेप्ट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो डायनेमिक कंसेप्ट है, डायनेमिक फैक्टर्स एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के हैं, वो अलग अलग पोर्टल्स अलग अलग इंस्टीट्यूट के, जैसे विजन आईएएस का जो आता है मींस 365, PT365, उससे हमारा कवर हो जाएगा। इनसाइट ऑन इंडिया भी अपनी इस तरह की बुकलेट्स निकालता है, उससे हमारा इन्वायरमेंट इकोलॉजी वगैरह बहुत अच्छे से कवर हो सकता है। तो ये सोशल इश्यूज पे जो है आप अपने 11th एंड 12th की सोशियोलॉजी की एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा, ये तो बेसिक हमारी स्टैटिक किताब है। एंड पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे, लक्ष्मीकांत को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एक ही किताब पढ़ना काफी रहेगा। बहुत सारी किताबें, मैं बार बार कह रही हूँ, पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हर किताब में एक ही चीज को अलग अलग तरीके से पैराफ्रेज करके लिखा गया है, तो बजाय अलग अलग किताबें पढ़ने के, अगर एक ही किताब को हम 2-3 बार पढ़ लेंगे तो वो हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। तो प्रेलिम के स्टैटिक पार्ट को करने के बाद में आप जो करंट अफेयर्स है, मैं बार बार जैसे विजन का नाम ले रही हूँ, विजन के जो PT365 की जो सीरीज है, इनसाइट ऑन इंडिया का प्रेलिम्स एक्सक्लूसिव जो उनकी सीरीज है, उसको बहुत अच्छे से अगर आप कर लेते हैं तो करंट अफेयर्स हमारे ठीक ढंग से हो पाएंगे। और उसके अब आता है कि न्यूज़पेपर का कितना इम्पोर्टेंस है, तो न्यूज़पेपर इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट फॉर यूपीएससी एग्जाम, और आप कोई भी दो न्यूज़पेपर रेफर कर सकते हैं। मैंने हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस रेफर किया था। कई बार मेरे फ्रेंड्स जो है न्यूज़पेपर के नोट्स बनाते हैं, तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी में बहुत ज़्यादा वेटरन है और आपको पता है कि किस तरह से नोट्स बनने चाहिए, और नोट्स बनाने की एक स्किल होती है, अगर आप उसको करने के बाद में अगर आप सब चीजों को कैच कर पाते हैं तब तो नोट बनाना ठीक है। वरना अगर आप न्यू कमर हैं और आप सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर के 12-1 बजे तक सिर्फ नोट्स बना रहे हैं, और वो भी ऐसे नोट कि आप खुद दोबारा उन्हें कभी नहीं पढ़ पाएंगे, तो इस तरह के नोट्स बनाने का कोई फायदा नहीं। क्योंकि जो करंट अफेयर के नोट आप बनाएंगे वो अगर ऑलरेडी बाजार में अगर विजन और इनसाइट वगैरह कवर कर रहे हैं, तो डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट करके अपना टाइम बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं अपने दोस्तों से कहूंगी कि एक न्यूज़पेपर को लेके उसके 4 घंटे तक नोट्स बनाने के बजाय आप सिर्फ न्यूज़पेपर को पढ़ लीजिए, क्योंकि करंट अफेयर का समराइजेशन, करंट अफेयर की जो समरी और एक कलेक्टिव जो उसका एक कंपिलेशन है, वो बाजार में अवेलेबल है। तो इस तरह के अननेसेसरी हार्डवर्क से बचिए। प्रीलिम्स के इन चीजों के अलावा जो नोट मेकिंग है, न्यूज़पेपर नोट मेकिंग के अलावा बाकी भी चीज़ों की नोट मेकिंग की अगर बात आती है, तो मुझे लगता है कि नोट मेकिंग कुछ ही चीज़ों में रखें। हर एक चीज़ के नोट्स बनाने से हमारा सिर्फ टाइम बर्बाद होगा, एनर्जी बर्बाद होगी। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो कि एनसीईआरटी के भी नोट बनाते हैं। एनसीईआरटी खुद अपने आप में एक नोट फॉर्म में कंसाइज इन्फॉर्मेशन है। अब उसको भी अगर किसी कागज पर लिख लिया जाए और सारे एनसीईआरटीज के अगर नोट बना लिए जाए, तो इट इज़ जस्ट अ वेस्टेज ऑफ टाइम। तो एनसीईआरटी या कुछ इस तरह की किताबें जो खुद अपने आप में एक किताब है, उसको अगर सिर्फ अंडरलाइन कर लिया जाए, हाईलाइट कर लिया जाए, तो फिर मुझे नहीं लगता कि उसको अलग से किसी कागज पे लिखने की जरूरत रहेगी। नोट्स उस वक्त आप बनाएं जब आप एक साथ 3-4 सोर्सेज को रेफर कर रहे हैं और हर एक में अलग अलग बात लिखी है, और आपको उन सारी चीजों को एक जगह पर लिखना है, एक जगह पर रखना है, ताकि आप उसे बाद में याद कर सके, रिवाइज कर सके। तो ऐसे में अगर आप अपने ऑप्शनल पेपर के लिए नोट बनाते हैं, ऐसे के लिए अगर आप कुछ नोट मेकिंग करते हैं, तो वो सेंस देता है। मगर एनसीईआरटी के नोट बना लेना, स्पेक्ट्रम जो खुद एक नोट है उसका नोट बना लेना जो है, वो थोड़ा हमारे समय की बर्बादी होगी।